breaking input as far as another reaction coming in, this one from Home Minister Amit Shah. We understand that the Union Home Minister has stated that Congress's real intentions have been revealed. Inheritance tax row clearly has snowballed, with Home Minister slamming the Congress. In fact, he has said that Pitroda revealed Congress's intentions. I'll go across to my colleague for more on that. But first, let's listen in to that reaction. सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। रविकांत, माय कोलीग जॉइंस मी फॉर द लेटेस्ट। रविकांत, गुड आफ्टरनून। क्लियरली जहां तक गृह मंत्री का रिएक्ट ने इस पे कहीं ना कहीं राजनीति कॉन्वर्सेशन एस्पेक्ट में ये नया कंट्रोवर्सी कहला जा सकता है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी बाकी के बचे हुए 6 फेज में पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास करेगी। सैम पित्रोड़ा के बयान को इस तरीके से पार्टी हिंदी बताना चाहती है आम जनता को कि जो आपकी कमाई हुई गाढ़ी संपत्ति है, अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जीतती है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी आपकी पैतृक संपत्ति छीनी जा सकती है। सैम पित्रोड़ा ने बयान जो भी दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने पेश किया। बावजूद इसके अब इस पर जो अटैक है वो भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है, मनमोहन सिंह का बयान और उसके बाद सैम पित्रोड़ा का इस तरीके से कहना कि अगर आपकी 100 मिलियन की संपत्ति है तो सरकार 55% जो है वो स्नैच कर लेगी, छीन लेगी, बाकी 45 जो है आप अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफर कर सकते। ये दिखाता है कि ऐसी सोच जो है वो कहीं मैनिफेस्टो के अंदर रही है। अब इसी सोच पर भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री उसको टारगेट कर रहे हैं, और ये एक ऐसा चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है, जिसका नुकसान बाकी के बचे 6 फेजों में कांग्रेस पार्टी को जरूर होगा। जी रविकांत, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस बेटर अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस ऑफ दिस एंड हाउ बोथ parties are really reacting to this entire comment that has now broken out.